गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम माई सेल्फ डॉक्टर चंद्रशेखर बंगरवार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, SRM, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली, उत्तर प्रदेश. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द यूरिनरी सिस्टम एंड द फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इनसाइड द बॉडी. हाउ दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एंड देन हाउ दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. द एक्सक्रेटरी सिस्टम, there are so many organs or tissues or systems working in it. One of the excretory system is urinary system, but at the same time we will see about the other systems also. Our main focus will be on the urinary system for first few lectures. Now the syllabus expected from the BMS first year is physiology of excretion, functional anatomy of the urinary tract, functions of kidney, mechanism of formation of urine, control of micturition, formation of feces, and mechanism of defecation. Ye syllabus mein first line hai physiology of excretion. Excretion ka matlab hamare sharir mein jo mal padarth hote hai taiyar, unko bahar kaise dala jata hai. दोष धातु मला मला मकम ही शरीरम, उसमें शरीर में मल भी होते हैं. यह मल जब उत्पन्न होते हैं तो उचित समय के बाद उनको शरीर के बाहर डाला जाना बहुत जरूरी है, ऐसा आयुर्वेद मानता है. अगर वो नहीं डाले गए तो शरीर को वो मलिन कर देंगे, यानी अलग अलग स्रोतों में मार्गावरोध करेंगे, रास्ता रोकेंगे. तो यही बात मॉडर्न सिस्टम में भी कही है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट. फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन में हमें याद रखना है कि ये सब वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे शरीर के बाहर कैसे डाले जाते हैं. फिर उसके बाद में फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, फंक्शंस ऑफ किडनी, ये पार्ट हम देखेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं. उसका मुख्य ऑर्गन है किडनी और उसका कार्य कैसे चलता है. फिर मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन मूत्रोत्पत्ति जो आयुर्वेद में पक्वाशय से मानी है, मॉडर्न साइंस में किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है ऐसा कहा गया है, उसका मैकेनिज्म कैसा होता है. उसके बाद कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन, जब मूत्र वेग होता है तो उसको धारण नियंत्रण कैसे किया जाता है, उसमें नर्वस सिस्टम का क्या रोल है. ये यूरिनरी सिस्टम के बारे में ज्ञान लेने के बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, पुरुष मल की उत्पत्ति कैसी होती है, एंड मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन, पुरुष उत्सर्जन क्रिया जिसको डेफिकेशन कहते हैं वो कैसी होती है. एज बॉडी सेल्स कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक फंक्शंस, दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूस सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड दैट हैव no useful functions in the body and need to be eliminated from the body. जब हमारे शरीर के बॉडी सेल्स अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक फंक्शन होती है, उस फंक्शन में ऑक्सीजन और नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स इसको यूटिलाइज किया जाता है. उसके बाद में वहाँ जो रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, आयुर्वेद की परिभाषा में उसे धातुपाक क्रिया कहते हैं या धातुअग्नि की क्रिया कहते हैं, उसके बाद में कुछ मल पदार्थ उत्पन्न होते हैं जैसा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता उसके बाद में, तो वो सब पदार्थ जो है वो शरीर के बाहर जाना जरूरी है. द यूरिनरी सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट टू द होमोस्टेसिस बाय अल्टरिंग ब्लड pH, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ऑस्मोलैरिटी, excreting waste, foreign materials and producing hormone. तो urinary system जो है हमारे शरीर में बहुत अलग अलग प्रकार की क्रियाएँ करती हैं. जब urine formation होता है तो उसी समय में blood pH भी control होता है, blood volume भी control होता है, blood pressure भी control होता है, blood osmolarity भी control होती है. मल पदार्थ तो बाहर डाले जाते हैं, foreign material, शल्य जो हमारे शरीर के लायक नहीं है उनको भी बाहर छोड़ा जाता है, और इसी में कुछ हार्मोन्स भी तैयार होते हैं, उसके अलग अलग फंक्शंस हैं.
यूरिनरी सिस्टम डिस्पोजेस मोस्ट ऑफ द अननीडेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर में जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं है उन पदार्थों को बाहर छोड़ता है, ये भी यूरिनरी सिस्टम काम करती है। हाउएवर यूरिनरी सिस्टम इज नॉट ओनली कंसर्न विद द वेस्ट डिस्पोजेबल, वो सिर्फ मल पदार्थों को बाहर डालती ऐसा नहीं है, तो इट कैरीज आउट ए नंबर ऑफ अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन एज वेल। इसके सिवा वो अलग अलग महत्वपूर्ण क्रियाएं शरीर में करती है। किडनीज अलाउ यू टू कंजर्व वाटर बाय सिक्रेटिंग हार्मोन्स टू रीअब्सॉर्ब वाटर दैट इज नॉर्मली लॉस्ट इन द यूरिन। हमारे यूरिन में पानी भी होता है, तो पानी कितना बाहर जाना चाहिए, शरीर के अंदर कितना पानी होना चाहिए, कितना पानी का पुनः शोषण रीअब्सॉर्प्शन होना चाहिए, और वो भी हार्मोन के माध्यम से, ये भी किडनी के माध्यम से क्रियाएं होती है। कुछ डेफिनेशन हमें याद रखनी है। नेफ्रोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द किडनीज। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड यूरोलॉजी। अ फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड यूरोलॉजिस्ट। तो यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट, इनके अलग अलग क्रियाएं होती है। नेफ्रोलॉजिस्ट का फोकस जो होता है सिर्फ किडनी के ऊपर होता है, और यूरोलॉजी का फोकस जो होता है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव यूरिनरी सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर होता है। नाउ ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, इसमें चार प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। किडनीज जिनकी संख्या दो है, यूरेटर्स जिनकी संख्या दो है, यूरिनरी ब्लैडर जिसकी संख्या एक है। तो यूरेटर जो है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ने का काम करता है, और यूरेथ्रा जहाँ से हम यूरिन बाहर डालते हैं। लाइक रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम द यूरिनरी सिस्टम फॉर्म एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह यूरिनरी सिस्टम का एक कोलैबोरेशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ होता है। वो कैसा, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर किडनी है, इनकी संख्या दो है, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है, ये बीच में से यूरेटर जो है वो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ने का काम करते हैं, और यहाँ पर यूरेथ्रा होती है जहाँ से यूरिन बाहर छोड़ी जाती है। नाउ किडनीज रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड कंपोजिशन। जब ब्लड किडनी में पहुँचता है तो वहाँ पर तीन प्रकार की क्रिया होती है, फिल्ट्रेशन, सेक्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन, और ये क्रिया होने के बाद यूरिन तैयार होती है। तो जो ब्लड वापस आ जाता है उसका कंपोजिशन रेगुलेट किया जाता है, वॉल्यूम रेगुलेट किया जाता है। जब वॉल्यूम रेगुलेट किया जाता है तो उसी के जरिए ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट किया जाता है, पीएच भी रेगुलेट किया जाता है, और ग्लूकोज लेवल भी रेगुलेट की जाती है। यहाँ से दो हार्मोन्स बाहर आते हैं, कैल्सिट्रियोल और एरिथ्रोपोएटिन, एंड एक्सक्रेट वेस्ट इन द यूरिन। तो ये यूरिन के इन शॉर्ट फंक्शंस हैं। द यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। द यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन एंड एक्सपेल्स इट इन टू यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा डिस्चार्जेस यूरिन फ्रॉम द बॉडी। यह हमें देखना है। Now after kidneys filter blood plasma, they return most of the water and solutes to the blood stream. जब blood kidney के अंदर जाता है तो उसमें से urine तैयार होने के बाद बचा हुआ part जो होता है blood plasma का, वो फिर से circulation में आ जाता है। The remaining water and solute constitute urine, which passes through the ureter and is stored in the urinary bladder until it is excreted from the body through urethra. जो बचा हुआ पार्ट है उसकी यूरिन तैयार हो जाती है, और वो यूरिन यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में आती है, वहां से वो डिस्चार्ज हो जाती है यूरेथ्रा के माध्यम से। नाउ किडनीज, हम किडनी के बारे में आज कुछ देखेंगे। द किडनीज डू द मेजर वर्क ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर मेनली पैसेज वे एंड स्टोरेज एरियाज। तो यूरिनरी सिस्टम में मुख्य अवयव जो है वो किडनी है, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन ये किडनी में ही होती है। किडनी को जो ब्लड सप्लाई होता है वो ब्लड सप्लाई के बाद
फिर फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन और ये एब्सॉर्प्शन, ये तीन क्रिया होने के बाद यूरिन तैयार होती है। बाकी पार्ट जो है यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये जो है वो स्टोरेज एरिया है या पैसेज वे है। तो मेन फंक्शन जो है वो किडनी में ही होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज। द पेयर किडनीज आर रेडिश किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड जस्ट अबोव द वेस्ट बिटवीन द पेरिटोनियम एंड द पोस्टेरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। बिकॉज देयर पोजिशन इज पोस्टेरियर टू द पेरिटोनियम द एब्डोमिनल कैविटी, दे आर सेड टू बी रेट्रो पेरिटोनियल। द किडनीज आर लोकेटेड बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ए पोजिशन वेयर दे आर पार्टली प्रोटेक्टेड बाय द 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ द रिब्स। ये जो किडनी है रेडिश कलर का किडनी, उसको साइज ही किडनी का बोलते हैं, उस तरह का ये ऑर्गन होता है और वो पेरिटोनियम और पोस्टेरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन के बीच में होता है। पेरिटोनियम के ऑर्गन के पीछे जो ऑर्गन्स होते हैं उसको रेट्रो पेरिटोनियल ऐसा बोलते हैं, उसमें किडनी है। और किडनी जो है वो लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में होती है और वहाँ उनको प्रोटेक्शन मिलता है 11th एंड 12th पेयर ऑफ द रिब्स का, इस तरह से वो प्रोटेक्टेड है। दिस इज डबल एजेड स्वॉर्ड। हाउएवर बिकॉज इफ दीज लोअर रिब्स आर फ्रैक्चर दे कैन स्लाइस इन टू द किडनीज एंड क्रिएट अ सिग्निफिकेंट इवन लाइफ थ्रिएटनिंग डैमेजेस। तो उसमें जो रिब्स है अगर वो फ्रैक्चर हो गए तो फिर उसके बाद में वो किडनी के अंदर भी जा सकते हैं, किडनी को डैमेज कर सकते हैं, लाइफ थ्रिएटनिंग डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज लीवर ऑक्यूपाइज कंसिडरेबल स्पेस ऑन द राइट साइड सुपीरियर टू द किडनी। अब जो राइट किडनी है वो लेफ्ट से थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लीवर नाम का ऑर्गन होता है और वो ऑक्यूपाई करता है बहुत बड़ी स्पेस, उसकी वजह से राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ ढकी ली जाती है। अ टिपिकल किडनी इन एडल्ट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर्स वाइड एंड 3 सेंटीमीटर्स थिक, अबाउट साइज ऑफ बार ऑफ बाथ सोप एंड हैज मास ऑफ 125 to 170 ग्राम्स। द कॉन्केव मेडिकल बॉर्डर ऑफ ईच किडनी फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम। नियर द सेंटर ऑफ कॉन्केव बॉर्डर इज एन इंडेंटेशन कॉल्ड रीनल हिलम थ्रू विच यूरेटर इमर्जेस फ्रॉम द किडनी अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। ये जो किडनी की साइज होती है वो हमने देखी 10 to 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर्स वाइड एंड 3 सेंटीमीटर्स थिक। हमारा नहाने का जो साबुन होता है उसी आकार की किडनी होती है, उसका वेट जो होता है 125 to 170 ग्राम्स होता है। उसके अंदर की तरफ जो कॉन्केव मीडियल बॉर्डर होता है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है और उसी में एक रीनल हिलम नाम का पार्ट होता है। इस रीनल हिलम से यूरेटर्स बाहर आ जाते हैं, उसी के साथ ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स अंदर जाती है या बाहर आ जाती है, उसका वो रास्ता रीनल हिलम से बनता है। 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू सराउंडेड ईच किडनी, रीनल कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल, रीनल फेशिया। 3 प्रकार के आवरण होते हैं, स्तर होते हैं जो कवरिंग करते हैं किडनी को। उसमें सबसे अंदर के तरफ होता है रीनल कैप्सूल, बीच में होता है एडिपोज कैप्सूल और सबसे बाहर की तरफ होता है रीनल फेशिया। द डीप लेयर इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल, इज अ स्मूथ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटिन्यूस विद द आउटर कोट ऑफ द यूरेटर्स। इट सर्व एज अ बैरियर अगेंस्ट ट्रोमा, हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द किडनी। द मिडिल लेयर मेड अप ऑफ द एडिपोज कैप्सूल and is a mass of fatty tissue surrounding the renal capsule. It also protect the kidney from trauma and hold it firmly in a place within the abdominal cavity. The superficial layer, the renal fascia, is another thin layer of the dense irregular connective tissue that anchors the kidney to surrounding structure and to the abdominal wall. On the anterior surface of the kidneys, renal fascia is deep to the पेरिटोनियम। तो ये 3 कवरिंग जो होते हैं जो कवर करते हैं किडनी को, इसका ये इम्पोर्टेंस होता है। नाउ
A frontal section through the kidneys reveal two distinct regions, superficial light red area called renal cortex and deep darker red brown region called renal medulla. किडनी का हम जब फ्रंटल सेक्शन देखेंगे तो उसमें दो पार्ट हमें स्पष्ट रूप से नजर आएंगे, बाहर की तरफ होता है रीनल कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ होता है रीनल मेड्यूला. रीनल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड रीनल पिरामिड्स. तो रीनल मेड्यूल के अंदर कोन शेप्ड छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट होते हैं, उनको कहते हैं रीनल पिरामिड्स. द बेस ऑफ ईच पिरामिड फेसेस रीनल कॉर्टेक्स एंड इट्स एपेक्स कॉल्ड रीनल पैपिला पॉइंट टूवर्ड रीनल हिलम. तो ये जो रीनल पिरामिड होते हैं, एक रीनल पिरामिड का अगर हम एग्जाम्पल दें तो उसका बेस जो होता है वो कॉर्टेक्स की तरफ होता है और उसका एपेक्स, इसी को कहते हैं रीनल पैपिला, वो जो होता है वो रीनल हिलम की तरफ होता है जहां से यूरेटर्स बाहर आते हैं. द स्मूथ textured renal cortex extend from the renal capsule to the base of the renal pyramid and into spaces between them. तो ये cortex जो होता है उसकी शुरुआत जो होती है renal capsule से होती है up to the renal pyramids होता है और उसके अंदर का space जो है that is cortex. It is divided into outer cortical zone and inner juxtamedullary zone. इसके भी दो part होते हैं, cortical zone और juxtamedullary zone. Those portion of renal cortex that extend between the renal pyramids are called renal columns. जो renal pyramids होते हैं cortex के अंदर, उसमें जो part space होता है उसको कहते हैं renal columns. A renal lobe, यहाँ पर एक renal lobe भी होता है, consist of renal pyramid. तो renal जो lobe जो है वो renal pyramid से बनता है. It is overlying area of the renal cortex and one half of the each adjacent renal column. तो renal lobe जो होता है renal pyramid का part, वो renal cortex में होता है और उसी के अंदर renal columns होते हैं. Together, renal cortex and renal pyramid of the renal medulla constitute parenchyma or functional portion of the kidney. ये जो साथ में रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पिरामिड को हम साथ में जोड़े, जो रीनल पिरामिड रीनल मेडुला में होता है, तो उसी से पैरेन्काइमा ये पार्ट तैयार हो जाता है विच इज फंक्शनल पोर्शन ऑफ द किडनी. वहीं पर किडनी की मुख्य क्रियाएं होती है. विद इन द पैरेन्काइमा आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी अबाउट वन मीडियम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स. इस पैरेन्काइमा के अंदर नेफ्रॉन नाम का एक पार्ट होता है. हर किडनी में अप्रोक्सीमेटली 10 लैक्स नेफ्रॉन्स होते हैं और ये नेफ्रॉन ये यहीं पर यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है. सो रिमेंबर, नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज. तो नेफ्रॉन यानी किडनी का पार्ट और नेफ्रॉन ही मुख्य कार्य है. फिल्ट्रेट यानी कि फिल्टर फ्लूइड formed by the nephrons drains into the large papillary ducts. Nephron में पूरी urine formation होने के बाद वहाँ से वो urine papillary duct में आ जाती है, which extend through the renal papilla of the pyramids. The papillary duct drain into the cup-like structure called minor and major calyces. ये papillary duct में से urine जो है उसके बाद में minor और major calyces में आ जाती है. Each kidney has 8 to 10 minor calyces and 2 to 3 major calyces. हर किडनी में 8 से 18 तक minor calyces होती है और 2 to 3, 2 से 3 तक major calyces होती है. A minor calyx receives filtrate from the papillary duct of one renal papilla and deliver it to the major calyx. तो minor calyx में जो urine आती है वो papillary duct में से आती है और वो मेजर कैलिक्स की तरफ जाती हैं. वंस द फिल्टर एंटर द कैलिसेस इट बिकम्स यूरिन बिकॉज नो फर्दर रीअब्सॉर्प्शन कैन ऑकर. अब यहाँ के बाद जब मेजर कैलिक्स में यूरिन पहुँचती है तो यूरिन बन जाती है क्योंकि उसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं होती. द रीजन फॉर दिस इज दैट द सिंपल एपिथीलियम ऑफ नेफ्रॉन एंड डक्ट
become transitional epithelium in the calyces. From major calyces, urine drains into the single large cavity called renal pelvis and then out through the ureters to the urinary bladder. अभी major calyces में से urine जो है वो renal pelvis में आ जाती है, वहां से ureters में आ जाती है और वहां से urinary bladder में आ जाती है. The hilum expand into the cavity within the kidney called renal sinus, which contains part of the renal pelvis, the calyces and branches of the renal blood vessel and nerves. इस हिलम में ये सब पार्ट्स होते हैं. Adipose tissue help stabilize the position of these structures in renal sinus. तो इस किडनी में ये सब पार्ट हम देख सकते हैं. किडनी का ये सेक्शन है, यहाँ पर रीनल कॉर्टेक्स होता है एंड उसके अंदर रीनल मेडुला होता है, इसमें रीनल कॉलम्स रीनल पेपिला होते हैं और उसके अंदर की तरफ मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स होते हैं जिनकी संख्या भी बता चुके हैं और इस तरह से यूरिन तैयार होके आती हैं. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पार्ट फॉर अस, हमारे लिए किडनी की फंक्शंस, किडनी में क्या क्या क्रिया होती है. नंबर एक, रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन. किडनी की सिर्फ एक ही क्रिया नहीं है कि यूरिन फॉर्मेशन करे. जब वो यूरिन फॉर्मेशन होती है तीन प्रक्रिया के माध्यम से होती है, फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन और सिक्रेशन, और बहुत सारा पार्ट जो है वापस आ जाता है. तो उसके माध्यम से शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, विशेष रूप से हमारा ब्लड का कंपोजिशन के लिए. रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन, द किडनीज हेल्प रेगुलेट ब्लड लेवल ऑफ द सेवरल आयोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड्स एंड फॉस्फेट. तो ब्लड में जो प्रमाण होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और फॉस्फेट का, वो प्रमाण सामान्य रखना ये भी किडनी की वजह से होता है. एक्सेस पार्ट जो है वो वहां से एलिमिनेट होता है. नंबर दो, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच. आप जानते हैं कि ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45. वहीं पर अगर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो पीएच कम हो जाता है, जिसको हम एसिडोसिस कहते हैं. वहीं पर अगर बाइकार्बोनेट आयन का प्रमाण बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं एल्केसिस. द किडनीज एक्सक्रिएट ए वेरिएबल अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन्स इन टू द यूरिन एंड कंजर्व बायकार्बोनेट आयन्स. बोथ ऑफ दीज एक्टिविटीज हेल्प रेगुलेट ब्लड पीएच. तो किडनी में से एक्सेस हाइड्रोजन आयन को एलिमिनेट किया जाता है, उसकी वजह से ब्लड पीएच मेंटेन होता है. ये भी दूसरी क्रिया है. तीसरा है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम. किडनीज एडजस्ट ब्लड वॉल्यूम बाय कंजर्विंग और एलिमिनेटिंग वाटर इन द यूरिन. शरीर में पानी कितना होना चाहिए, कितना ज्यादा हुआ है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाता है. जो जरूरी पानी है वो शरीर के अंदर रखा जाता है, इसलिए तुम्हारी यूरिन क्वांटिटी जो है वो तुम्हारे पानी के ऊपर डिपेंड होती है. तो जो जरूरी पानी है, आवश्यक पानी है, वो शरीर में रखकर वो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करता है. और आप जानते हो कि ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर, द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर. एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर, अ डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर. तो पानी के वॉल्यूम की वजह से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होता है. एक और प्रक्रिया होती है एंजिमेटिक रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. द किडनीज ऑल्सो हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय सिक्रेटिंग एंजाइम रेनिन, विच इनडायरेक्टली कॉजेज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. रेनिन से एक एंजाइम सिक्रेट होता है किडनी से, उसको रेनिन कहते हैं. वो रेनिन जब सिक्रेट होता है तो हमारे शरीर में एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे है, उस पाथवे की क्रिया के बाद ब्लड प्रेशर भी नॉर्मली मेंटेन किया जाता है. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे का मतलब रेनिन की वजह से उसके बाद में एंजियोटेंसिन भी सिक्रेट होता है. एंजियोटेंसिन 1 गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2,
फिर एल्डोस्टेरोन भी जरूरी मात्रा में उसकी वजह से सिक्रेट होता है। इसको परमिसिव इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि रिनिन के बाद ही एंजियोटेंसिन सिक्रेट होता है, एंजियोटेंसिन के बाद ही एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। तो एक जब तक सिक्रेट नहीं होगा दूसरा नहीं होगा। तो ये दो हार्मोन का जो रिलेशन है उसको कहते हैं परमिसिव इफेक्ट। तो इस क्रिया के बाद ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलैरिटी बाय सेपरेटिंग रेगुलेटिंग लॉस ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ सॉल्यूट्स इन द यूरिन, किडनीज मेंटेन अ रिलेटिवली कॉन्स्टेंट ब्लड ऑस्मोलैरिटी। किडनी की वजह से ब्लड ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन होती है। द ऑस्मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ब्लड में कितना क्या होना चाहिए, एक्सेस क्या है, उसको एलिमिनेट करें, ये प्रक्रिया भी यूरिन फॉर्मेशन के दरमियान हो जाती है। प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, द किडनीज प्रोड्यूस टू हार्मोन्स। तो दो प्रकार के हार्मोन जो किडनी में से तैयार होते हैं, एक है कैल्सिट्रियोल, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, हेल्प रेगुलेट कैल्शियम होमोस्टेसिस। एक हार्मोन जो होता है कैल्सिट्रियोल, वो कैल्सिट्रियोल ये जो है बेसिकली विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है, उसकी वजह से कैल्शियम होमोस्टेसिस, ब्लड में कितना कैल्शियम होना चाहिए, बोन्स में कितना होना चाहिए, ये कंट्रोल हो जाता है। दूसरा हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। एक एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है किडनी में से, उसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन होते हैं। ये सब चीज़ें फंक्शंस ऑफ किडनी हमें याद रखना चाहिए और इन सब चीज़ों को हमने यूटिलाइज भी करना चाहिए। और वो इसलिए कि जब किडनी फेल्योर हो जाती है पेशेंट की, तो उनमें बोन का फंक्शन भी कम हो जाता है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो किडनी फेल्योर के बाद ये हार्मोन भी ठीक तरह से तैयार नहीं होते। सातवां फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। लाइक द लीवर, किडनीज कैन यूज द अमाइनो एसिड्स ग्लूटामिन इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, द सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा जो फास्टिंग में 70 to 110 मिलीग्राम होती है, खाने के बाद 110 to 150 मिलीग्राम्स होती है, अगर वो कम हो जाए तो हमारे शरीर में एक ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है उसे ग्लूकोज तैयार करना। तो यहाँ पर किडनी जो है अमाइनो एसिड से ग्लूकोज तैयार करती है ताकि शरीर में ग्लूकोज ना कम हो। दे कैन देन रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड टू हेल्प मेंटेन नॉर्मल ग्लूकोज लेवल। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट काम किडनी का, जिसके बारे में यूरिनरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। शरीर में जो मल द्रव्य तैयार होते हैं और फॉरेन सब्सटेंसेस को आयुर्वेद में कहा है शल्य, ऐसे कुछ पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक है वो शरीर के बाहर डालना, ये भी किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये जब होता है, जब शरीर में यूरिन तैयार होती है बाय फॉर्मिंग यूरिन, द किडनीज हेल्प एक्सक्रिएट वेस्ट सब्सटेंसेस दैट हैव नो यूजफुल फंक्शंस इन द बॉडी। शरीर में ऐसे पदार्थ जिनका कोई कार्य नहीं है उनको शरीर के बाहर डाला जाता है। सम वेस्ट एक्सक्रिएटेड यूरिन रिजल्ट फ्रॉम द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द बॉडी। हमारी शरीर में हर सेल में मेटाबॉलिज्म होता है और वो मेटाबॉलिज्म के बाद ये वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारे शरीर में जो क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद में वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं। जैसे हमने धातुओं का अभ्यास करते हुए देखा कि धातु की क्रिया के बाद सूक्ष्म मल के रूप में क्लेद तैयार होते हैं, जिसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। उसी तरह से ये वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हुए। यहाँ पर दीज इंक्लूड्स अमोनिया एंड यूरिया फ्रॉम द डिमिनिशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अभी अमाइनो एसिड्स का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो यूरिया और अमोनिया तैयार हो गए। बिलिरुबिन फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन नष्ट होगा आरबीसी के नष्ट होने के बाद 120 दिन के बाद, तो उसके कैटाबॉलिज्म के बाद पहले बिलिरुबिन और फिर बिलिरुबिन तैयार होगा, वो बिलिरुबिन। क्रिएटिनिन फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ द क्रिएटिन फॉस्फेट इन द मसल फाइबर्स। हमारे शरीर में जो मसल फाइबर्स होते हैं
उसमें क्रिएटिन फॉस्फेट होता है। जब मसल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मसल्स की क्रियाएं बढ़ जाती है, तो क्रिएटिनिन तैयार होता है एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द कैटाबोलाइज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। हमारे शरीर में हर सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसको डीएनए और आरएनए कहते हैं। जब उसका कैटाबोलिज्म हो जाता है तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में तैयार होता है। तो ये सब वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में तैयार होने के बाद उन सबको बाहर डाल दिया जाता है, उसके साथ पानी भी बाहर डाल दिया जाता है, उसी को यूरिन कहते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रेटेड इन द यूरिन आर फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द डाइट सच एज द ड्रग्स एंड इन्वायरमेंटल टॉक्सिन। इसके सिवा हमारे शरीर में जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं डाइट में से जाते हैं, डाइट में से तो जाएंगे लेकिन शरीर के किसी काम के नहीं हैं, या ड्रग्स अलग अलग दवाइयाँ वो भी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होती है, वो भी यूरिन के माध्यम से बाहर डाली जाती है। कुछ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हमारे शरीर में तैयार होते हैं वो भी डाले जाते हैं। तो ये 8 किडनी के फंक्शंस आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, उसी से यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो किडनी का मेन फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन है, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस पर किडनी का इम्पैक्ट होता है। इसलिए किडनी इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन। किडनी फेल्यूर इज वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन इन द बॉडी। तो इसको जब ही समझ सकेंगे जब किडनी के फंक्शंस हम समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। विश यू ऑल हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। Thank you.
आज एक वीडियो मला अपलोड पण करायचा होता ऍक्च्युअली. मला मेसेज होता की बा तुमचा 50% डाटा हा युटिलाइज झालेला आहे, म्हणजे 50% बाकी आहे. तर आज कॉलेजमध्ये बसून माझ्या सेटअपवर करून घेतो. आता हे बॅटरी खूप डाऊन आहे माझी, सध्या 5-6% पर्यंत. एअरटेलचा होता की नको म्हटलं तू झोपलाय का म्हटलं कुठलं झालं की नाही झालं मला ते चार्जिंग होऊ द्या. हो फॅन का बंद केला असेल तू जाते.